बड़ी खबर यह है कि पश्चिम बंगाल में सड़क पर नमाज के विरोध में हनुमान चालीसा पढ़ी गई है। अब ये खबर और आई है पश्चिम बंगाल से। हावड़ा में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर हनुमान चालीसा पढ़ी। हावड़ा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर हनुमान चालीसा पढ़ी और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ममता बनर्जी का मीम बनाने वाली प्रियंका शर्मा ने हनुमान चालीसा पढ़ी। सब पे राम तपस्वी राजा सिंह के का सकल तुम साजा और मनोराज्यों को लावे तो यमी जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साथ संत के तुम रखवारे दुर निकंदर राम दुलारे अष्ट सिद्ध नौ के दाता सुबर दिन जान की माता राम रसायन तुम्हारे पास सदार और रघुपति के दाता तुम्हारे भजन राम को पावे जन जन्म के दुख बिजरावे अंत काल अकबर पुर जाय जहाँ जन्म हरि भक्त आई और देवता जितना तरे हनुमत से सर्व सुख करे संकट करे मिटे सब विराजो तुम्हारे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाही जो सतबार पाठ कर कोई छुड़े बंदे महा सुख होय। जो अपना हनुमान चालीसा होय सिद्ध सा की गौरी सा तुलसीदास दा हरि चेरा की जय नाथ हृदय माडेरा। मंगल मुहूर्त मारुत नंदन सकल मंगल मूल निकंदन पहुंचने संकट हरना मंगल मुहूर्त रूप राम लखन सीता सहिता हृदय बताओ दुर्गुप्त सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा जय श्री सीताराम जय बजरंग बली की। टीटी रोड बंद करके डेढ़ डेढ़ घंटा प्रमुख सड़कों को बंद करके नमाज अदा होगा तो जब तक ये शुक्रवार को जारी रहेगा हम लोग भी हर मंगलवार को जिला में घूम घूम के प्रमुख जो सड़क है जहाँ हनुमान जी का मंदिर है वहाँ हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। तो आप देख रहे हैं किस तरह से पश्चिम बंगाल में हालात बन गए हैं। नमाज के विरोध में अब हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले का सिलसिला भी एक तरफ जारी है। जलपाईगुड़ी के एक बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या पीट पीट कर कर दी गई। उसकी गलती बस इतनी थी कि वो बीजेपी के प्रदर्शन में शामिल हुआ था। ममता बनर्जी चुनावी हिंसा पर कुछ भी कहें लेकिन तस्वीरें उनकी तमाम बातों को झूठा साबित कर रहे हैं। जलपाईगुड़ी थाने के बाहर शव के साथ प्रदर्शन कर रहे ये लोग बीजेपी कार्यकर्ता हैं। बगैर किसी हिंसक झड़प के एक बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या हुई। हत्या की पूरी कहानी से मालूम चल रहा है कि ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी के गुंडों को किस तरह खुली छूट दे रखी है। टीएमसी किस तरह बीजेपी के समर्थकों को डराने में लगी है। जलपाईगुड़ी में क्या हुआ आपको बताते हैं। सोमवार को बीजेपी ने एसपी ऑफिस का घेराव किया। मृतक बीजेपी कार्यकर्ता मनमोहन दास भी घेराव में शामिल था। घर लौटने के दौरान मनमोहन दास पर हमला किया गया। बीजेपी जिला अध्यक्ष को भी पीटा गया और अस्पताल ले जाते वक्त मनमोहन दास की मौत हो गई। आरोप टीएमसी के नेता मुशर्रफ हुसैन पर लगा है। टीएमसी नेता ने सफाई दी है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। हिंसा की सियासत के बीच कांग्रेस और लेफ्ट ने शांति मार्च निकाला लेकिन पुलिस ने इस मार्च को रोक दिया। काफी देर तक धक्का मुक्की होती रही। कांग्रेस और लेफ्ट ने इसे ममता बनर्जी की तानाशाही बताया है। पश्चिम बंगाल के भाटपाड़ा में हिंसा और बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या को लेकर बीजेपी सांसद एसएस अहलूवालिया की अगुवाई में बीजेपी के 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार की शाम को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के भाटपाड़ा की हिंसा में गुरुवार को 2 लोगों की मौत हो गई थी। गुरुवार को भड़की हिंसा को रोकने के लिए पुलिस को गोली भी चलानी पड़ी थी। रिपोर्ट जीवी दिया।